दोस्तों, काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाती है ये दीमक की बांबी। क्यों इतनी कारगर है काल सर्प दोष शांति के लिए, उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में आज ये ज्ञान देने वाला हूँ। दोस्तों, जिन स्त्री या पुरुष के कुंडली के अंतर्गत काल सर्प दोष है और दोष से वो परेशान है, काल सर्प दोष शांति ही नहीं होता उससे मिलने, क्योंकि जब हम कई बार शांत भी करते हैं तो उससे वो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वो आज हमारी इस वीडियो से जाने कि किस तरीके से दीमक की बांबी पर आपका काल सर्प योग दोष शांत हो सकता है अच्छे तरीके से, और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, काल सर्प दोष की शांति आपने देखा होगा कि लोग जो है घर में स्थापना करते हैं, मंदिरों में स्थापना करते हैं, नौ अनंत आदि नव नागों की स्थापना करते हैं और उसके बाद फिर पूजन करते हैं। कई लोग जो है देवालय में भी जाते हैं, कई घर में या मंदिर में या गंगा किनारे या ऐसे स्थानों में जाकर के काल सर्प दोष की शांति करते हैं, लेकिन वो सब खर्चे वाला काम है। मानता हूँ बहुत मोटा खर्चा उसमें होता है, कई लोग ऐसे जो कैपेबल नहीं होते, तो उनके लिए मैं आपको ये बहुत अच्छा उपाय है और सरल उपाय है, कम खर्चे में बहुत सटीक और अच्छी शांति आपको काल सर्प दोष की मिलेगी। और वो इस प्रकार से, ये जो दीमक की बांबी है दोस्तों, ये दीमक की बांबी ही नहीं बल्कि ऐसे नागों का घर भी है। जी हाँ, सांपों का घर है। और आपको पता है काल सर्प दोष जो है वो सर्पों के द्वारा लगता है। सर्पों की जब हमारे द्वारा कोई अवहेलना हो जाती है, जैसे कि हमने सर्प मार दिया या इस तरीके से दोष लगता है, पर आप ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने सर्प तो मारा नहीं, फिर हमारी कुंडली में सर्प दोष कहाँ से आया? इसका कारण ये है, चलो आपने इस जन्म में नहीं मारा होगा, पिछले कई जन्मों में आपने सर्प दोष किया होगा, सर्प को मारा होगा, सर्प को कष्ट दिया होगा, इसीलिए वो सर्प दोष जो है कुंडली के अंतर्गत आता है, जो कि राहु और केतु से बनता है मेरे मित्रों। तो इस स्थिति में अब आपको चाहिए कि काल सर्प दोष की शांति आप प्रॉपर तरीके से करें, तो वो आप कर सकते हैं आसानी से, वही मैं आपको बहुत डीप नॉलेज दे रहा हूँ। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो सर्प हैं वो सर्प हमारे जिनको हम कहते हैं पूर्वज हैं, सर्प हमारे देवी देवता भी हैं, तो इसीलिए उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपराध हुआ जिसके कारण हम काल सर्प दोष से परेशान हो रहे हैं, इसीलिए ये सर्पों का घर भी माना जाता है। आपको मैं बता दूं कि जहाँ भी दीमक की बांबी इस तरीके से, खासकर पुरानी, बहुत थोड़ा पौराणिक हो, ज़्यादा पुरानी हो, तो वहाँ पर कई प्रकार के सर्पों का वास होता है, जैसे कि कोबरा और भी खतरनाक सर्प होते हैं। तो दोस्तों, आप प्रत्यक्ष रूप में जब आपका काल सर्प दोष शांति यदि आपको चाहिए, तो आपको करना ये चाहिए कि किसी भी शनिवार आकर के या फिर किसी अमावस्या को आकर के यहाँ पर इस दीमक की बांबी का आप पूजन कीजिए, जैसे कि जल चढ़ाना और यहाँ पर तिलक, और साथ में मेरे दोस्तों अगर आप इस पर मौली बांध दें, मौली का धागा एक बांध दें, जल चढ़ा दें शनिवार या अमावस्या को, और साथ में इस पर पितरों के नाम से और सर्पों के नाम से यहाँ पर जो है टीका लगा सकते हैं इस प्रकार से। यहीं पर आप जो है फल मिठाई इत्यादि उनके लिए रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा शनि और अमावस्या को ही आपको ये करना है। और फिर आपको जो है मेरे दोस्तों, यहाँ पर पूजा के बाद अपने काल सर्प दोष शांति के लिए एक संकल्प करना है, और संकल्प में ये कहना है कि मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये एड्रेस है, और मेरी कुंडली के अंतर्गत 12 काल सर्पों में से जो काल सर्प दोष है उस काल सर्प दोष का नाम लीजिए और अपना नाम संकल्प करके इस बांबी के जड़ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको करना ये है कि लास्ट में आपको एक दूध की कटोरी ज़रूर लानी है, और वो लानी है लोहे की कटोरी, लोहे की कटोरी आपको लेके आनी है और उसमें दूध भरना है, कच्चा हो, कच्चा दूध ज़्यादा बेटर होता है, तो कच्चा दूध उस लोहे की कटोरी में भर करके और इसकी जड़ पर रख देना है अच्छे से, ताकि गिरे ना। जड़ पर वो दूध रख करके सर्पों के नाम से कि हे सर्प देवता, हे काल सर्प देवता, हमारे काल सर्प दोष को हमारी कुंडली से और हमारी हस्तरेखा से आप उसे शांत कर देना।
तो ये प्रक्रिया बहुत सुंदर है, कोई पैसा नहीं लग रहा इसमें, थोड़ा बहुत खर्चा आपका आता है और ये रियलिटी है, रियल में है। बाम्बी आपको जंगल में मिले या कहीं पर भी आपको बाम्बी मिले और आपको लगना वो थोड़ी अगर पुरानी बाम्बी होगी तो वहाँ पर सर्पों का वास जरूर होता है। इसीलिए सर्प बहुत अच्छा मानते हैं, जहाँ पर सर्पों का वास होगा तो आप रियलिटी में प्रत्यक्ष रूप में सर्पों का पूजन कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो हम चांदी के नाग नागिन बना करके और पूजा कर देते हैं और जो एक तरह की रियलिटी उसमें नहीं होती, सिर्फ एक दिखावा होता है। लेकिन यहाँ पर आप जब पूजन करते हैं तो बिल्कुल रियल में होता है, असली के सांप यहाँ पर बसते हैं और इसके अंदर होते हैं। और जब आप दूध यहाँ रखेंगे तो आप का काल सर्प दोष आप देखेंगे कि पूरी तरीके से शांत हो गया। शांत होने का मतलब है जो लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे, जिनके कर्म करने से सफलता नहीं मिल रही है, बहुत टैलेंटेड है उसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे जीवन में, ऐसे लोगों के जीवन में राहु खराब होता है, केतु खराब होता है और कहीं ना कहीं आप कुंडली में देखना काल सर्प दोष जरूर होता है। और यदि आप हस्तरेखा के माध्यम से जानना चाहते हैं तो बीच हथेली यदि गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरी है दोनों हाथों की, तो समझिए आपका काल सर्प दोष है कुंडली के अंतर्गत और हस्तरेखा पर। ऐसे काल सर्प दोष की शांति आप बहुत आसानी से कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अमावस्या शनि और एक और मैं आपको अवसर बता दूं और वो है नाग पंचमी। मेरे दोस्तों तो नाग पंचमी के अवसर पर भी आप यहाँ पर नागों को दूध पिला सकते हैं और अपने काल सर्प दोष से हो रही परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये दीमक की बाम्बी देती है काल सर्प दोष से मुक्ति, शांति। तो ये आप कर सकते हैं, किसी के माध्यम से आप जा सकते हैं और पूजा करवा करके खुद ही पूजा कर सकते हैं और आपका देखना 100% आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों इससे अधिक जानकारी के लिए या फिर कुंडली एनालिसिस या हस्तरेखा के माध्यम से काल सर्पयोग के बारे में ज़्यादा डीपली जानकारी चाहिए या अन्य विषयों पर करियर हेल्थ आदि, तो उसके लिए हमारे नंबर्स पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के उपाय, कुंडली एनालिसिस, हस्तरेखा, वास्तु से संबंधित बहुत सारे टिप्स हम अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय सर्प देवता।